नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज का वीडियो बड़ा ही खास और अहम है। क्लास ट्वेल्थ और फर्स्ट ईयर के लिए, क्योंकि इसमें हम सॉल्यूशन करेंगे एक्सरसाइज नंबर 76 का, और ये है आपकी पसंदीदा ग्रामर की बुक टिपिकल का। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिए। और अगर हो सके तो आप सुपर थैंक्स भी दे सकते हैं हमारे चैनल के लिए। सुपर थैंक्स का ऑप्शन मिल गया है यूट्यूब की ओर से, और इससे भी हमारा मोटिवेशन होगा और एनकरेजमेंट होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है ऑल न्यू दैट ही इज ए लायर। मैंने उन दोनों पॉइंट्स को अंडरलाइन करा है ब्लू कलर से। पहला जो हिंट होगा, जिसे देखकर हम रूल याद करेंगे कि किस रूल से हम चेंज करें। दूसरा वहां पर अंडरलाइन है जहां पर हमें करेक्शन करना है। तो पहला है ऑल न्यू, सब जानते थे। तो ये वाला पार्ट पास्ट टेंस में है, इसलिए इसे प्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि दैट कंजंक्शन से एक सेंटेंस जो जुड़ गया है, दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक पास्ट में हो तो दूसरा प्रेजेंट में हो। तो यहां पर हम इस की जगह पर कर देंगे was, ठीक है। नंबर टू में ध्यान देंगे, स्पीक जेंटली lest anybody may hear। जब जब सेंटेंस में lest आएगा, इसके साथ में हमेशा यहां पर दूसरा जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो should आएगा। क्लियर। नंबर थर्ड, शी इज राइटिंग ए लेटर फॉर 2 hours। जैसे यहां पर फॉर या सिंस देखेंगे, हम समझ जाएंगे या हमें समझ जाना चाहिए कि ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है। इससे पता लग गया कि ये प्रेजेंट है, और अगर यहां पर वाज होता तो हम इसे पास्ट टेंस में लेके जाते, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे हैज बीन। अगर यहां पर दे होता तो हेल्पिंग वर्ब हैव बीन लगाते। फ्रेंड्स, कोशिश जरूर करें एक एक रूल को बारीकी से समझने का। अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। नेक्स्ट है द पिक्चर वाज हैंग इन द रूम। ध्यान दीजिए, हैंग दो तरह का है। एक है हैंग, इसकी सेकंड फॉर्म हंग और थर्ड हंग है, इसका मतलब लटकाना। दूसरा हैंग है, इसका मतलब फांसी पे लटकाना। तो यहां तस्वीर लटकाने की बात हो रही है, इसलिए यहां पर हम यूज करेंगे हंग। द पिक्चर वाज हंग इन द रूम, तस्वीर कमरे में लटकाई गई थी। मैनी अ मैन हैव बीन किल्ड। जब जब मैनी आ का यूज हो, इसका बहुत ध्यान रखें, मैनी आ अलग है और केवल मैनी अलग है, बहुत ध्यान दीजिए इस पर। मैनी होगा तो यहां पर प्लुरल नंबर की वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अगर मैनी के साथ आ आएगा तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑटोमेटिकली सिंगुलर नंबर की आएगी, इसलिए यहां पर हम हैज का यूज करेंगे। नेक्स्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल, आई हु इज योर टीचर विल टीच यू। अगर इसे इतना छुपा दें, हु इज योर टीचर, ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बिकॉज ये हु कौन है, ये आई के लिए रेफर करता है कि मैं जो, तो ये जो है वो मैं हूं, तो मेरे साथ हूं आएगा, ना कि इस मीन्स है आएगा। तो यहां पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। अब बनेगा ये आई, मैं, हू, जो, हूं, योर टीचर, आपका अध्यापक, विल टीच यू, आपको पढ़ाऊंगा, है ना इंटरेस्टिंग। नंबर 7 देखेंगे, द शिप वाज ड्राउन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। पहली बात, ड्राउन का यूज हमेशा लिविंग थिंग्स के साथ होता है, तो यहां पर हम द शिप सेंक भी कर सकते हैं, और अगर हम ये ना करें, ड्राउंड ही रखें, तो दूसरा बहुत आसान ऑप्शन है, वो हो जाएगा द शिप गॉट ड्राउंड। तो या तो द शिप गॉट ड्राउंड या फिर द शिप सैंक। 10 years passed since my son has died। मैं बार बार बता रहा हूं आपको, जब जब दो वर्ब आएंगी तो हमें उन्हें बैलेंस जरूर करना होगा। ये पॉसिबल नहीं है कि एक वर्ब जमीन में हो दूसरी आसमान में हो। कैसे? यहाँ पर ये वर्ब है पास्ट टेंस की, और जो दूसरी वर्ब का यूज हुआ है वो है प्रेजेंट टेंस की।
तो यहाँ पर हो जाएगा हैज की जगह पर हम हैड का यूज करेंगे। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, ही सेज वह कहता है दैट मोहन वुड कम टुमारो। इसमें ध्यान देंगे सेज वुड एंड टुमारो बड़ा इंपॉर्टेंट है इसमें। अगर हम सेज की जगह सेड कर दें तो ध्यान दें इतना सेंटेंस तो ठीक हो जाएगा, लेकिन टुमारो नहीं होना चाहिए, तब यहां पर द नेक्स्ट डे होना चाहिए था, है ना। इसलिए हम वो चेंज करेंगे जो कम से कम हो। करेक्शन का ध्यान रखें, बेसिक फंडामेंट मिनिमम चेंज करेंगे मैक्सिमम करेक्शन होगा। तो यहां पर हम विल का यूज कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट, ही सेज वह कहता है दैट मोहन विल कम टुमारो, कि मोहन कल आ जाएगा। ओके नेक्स्ट है आई हैव सीन हिम स्टरडे, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पार्ट, बताता है कि प्रेजेंट है लेकिन स्टरडे बताता है कि पास्ट है। तो इसमें स्टरडे को तो हम हटा नहीं सकते, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो हम क्या करेंगे केवल यहां पर आई सॉ कर देंगे। आई सॉ हिम स्टरडे, मैंने उसे कल देखा। क्लियर। नेक्स्ट है ही लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड हियर, तो जब बिफोर का यूज होता है तो ये पास्ट परफेक्ट सेंटेंस है, इसमें हम लेफ्ट से पहले हैड का यूज करेंगे। तो ही हैड लेफ्ट, वह जा चुका था बिफोर आई अराइव्ड हियर, इससे पहले मैं यहां आया। नेक्स्ट है आई राइट अ लेटर दैट आई माइट हैव एन आंसर, यहां भी ध्यान दीजिए राइट प्रेजेंट फॉर्म है, साथ में माइट लगाया तो यहां पर पास्ट फॉर्म है, यहां पर हम राइट की जगह पर लिखेंगे रूट। मैंने एक पत्र लिखा कि आई माइट हैव एन आंसर, कि मैं एक उत्तर पा सकता हूं। इंटरेस्टिंग। अगला देखते हैं कि गेव हर अ प्राइज, उसने उस लड़की को एक प्राइज दिया That she may work hard next year. अभी जो ऊपर एक हमने एग्जाम्पल किया था सेम वैसा ही है, पहला पार्ट पास्ट में है, लास्ट का भी पास्ट में है, नेक्स्ट ईयर का यूज हुआ है, इसलिए केवल बीच में करेक्शन करेंगे और मे को हम रिप्लेस करेंगे मच। सो फ्रेंड्स एक्सरसाइज 76 का ये पार्ट वन आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो सुपर थैंक। नमस्कार।